गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम है निकिता, आई एम द प्रोडक्ट एंड अ बिजनेस ट्रेनर। और आज के इस आफ्टरनून आजादी की पाठशाला में मैं निकिता सबका स्वागत करती हूँ। हर बुधवार हम दोपहर 3 बजे आजादी की इस पाठशाला में हम सब मिलते हैं, ताकि इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग का बहुत ही अच्छी तरह से फायदा कर पाए और हमारे मोदी केयर के इस बिजनेस में, इस मोदी केयर के इस रेस में हम उतनी ही हेल्दी वे से शामिल हो पाए। हम सबको पता है कि अगर किसी भी रेस का अगर हमें विजेता बनना है, तो उस विजेता बनने के लिए उसकी एक पूर्व तैयारी करना बहुत ही जरूरी होता है। एक विजेता बनने के लिए एक अच्छी तैयारी और एक अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने सपनों को अचीव करने के लिए और विजेता बनने के लिए इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस या फिर आपके इस रेस में भी कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं। आई एम श्योर इस बिजनेस में आप पीछे रहने के लिए तो जरूर नहीं आए हैं। और दूसरी चीज तो ये है, इस बिजनेस में हम सब आए हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। समवेयर हमारे वेल कैटेगरी के इस प्रोडक्ट से हमें स्ट्रांग और इंटरनली एक प्रॉपर बिल्टअप देने के लिए हमारे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से मदद करते हैं, और इसीलिए इन्हें रेगुलरली इसका कंजम्पशन होना भी उतना ही जरूरी है। हमारे आज के इस सेशन में हम दो तरह के हमारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज वेल इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन। चलिए देखते हैं ये प्रोडक्ट कौन से हैं और इन प्रोडक्ट्स को हम किस तरह से रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। मैं क्विकली मेरी जो स्क्रीन है आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। आज के सेशन में सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है? लेट मी टेल यू हमारे शरीर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। हमारे शरीर को एक बायोकेमिकल मशीन भी कहा जाता है। इस बायोकेमिकल मशीन में तरह तरह के अलग अलग बदलाव होते रहते हैं, और ये बायोकेमिकल मशीन के अलग अलग चीज छोटे छोटे अलग अलग प्रक्रियाएं भी होती रहती है। जिस तरह से आप बात करते हैं, आप खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इन हर क्रियाओं को हम बायोकेमिकल क्रियाएं कहते हैं। इस बायोकेमिकल क्रिया में ढेर सारे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स भी पलते हैं। इन टॉक्सिन्स के साथ कुछ टॉक्सिन्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे हर रोज की जिंदगी में इसी बायोकेमिकल कंडीशंस को और ज्यादा भड़काते हैं, जैसे कि हमारे सराउंडिंग के पोल्यूशन। हम सबको पता है कि जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उतना ही ज्यादा पोल्यूशन के शिकार हम बनते जा रहे हैं। इस पोल्यूशन से हमारी जिंदगी में तो बहुत सारे परिणाम होते ही है, लेकिन इस पोल्यूशन के साथ साथ अलग अलग हमारी खान पीन की आदतें, हमारी हर रोज के मेडिकेशन की आदतें, या फिर हमारी स्ट्रेस लेवल की आदतें, इन सारी चीजों के वजह से भी शरीर में ढेरों सारे टॉक्सिन्स पलते हैं। इन सारे टॉक्सिन्स की वजह से समहाउ शरीर में आपकी अलग अलग आदतों की वजह से भी कुछ अलग अलग टॉक्सिन्स पलते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में हम हर रोज जो चीजें कंज्यूम करते हैं, हमारे हर रोज की जिंदगी में हम फ्राइड चीजें, ऑयली चीजें, इन सारी चीजों को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। काफी लोगों को स्मोकिंग, अल्कोहल करने की आदत होती है, तो कुछ लोग रेगुलरली जंक फूड कंज्यूम करते हैं। ये सारी चीजें इसी टॉक्सिन्स के अलग अलग सोर्सेस से आती है, एंड जब इन्हीं टॉक्सिन्स को जब शरीर से बाहर निकालने की जब बात होती है, तो बात आती है डिटॉक्सिफिकेशन की। डिटॉक्सिफिकेशन का एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम स्वरूप देखें, तो डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, और जिसके लिए हम यहाँ पे बात करते हैं डिटॉक्स की।
When it comes to a detox, ये detox के कहीं ना कहीं स्वरूप से, इसके उपयोग से शरीर में पलने वाले टॉक्सिन्स के बैड जो इफेक्ट्स है उसे हम इजीली कम कर सकते हैं. जैसे कि शरीर में टॉक्सिन्स के पलने की वजह से शरीर में दुर्गंधी आना, बैड ब्रीथ आना, सोरायसिस, एक्जिमा जैसे प्रॉब्लम्स होना, इम्यूनिटी कम होना, स्किन पे पिंपल एक्ने जैसे प्रॉब्लम्स आना, डाइजेशन इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स, लिवर स्पॉट्स या लिवर के प्रॉब्लम्स आना या फिर एक्जिमा जैसे प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं रिमूव करने के लिए या हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है. एंड फॉर दैट वेल डिटॉक्स हमें यहाँ पे मदद करता है. वेल डिटॉक्स 8 तरह के नेचुरल हर्ब्स से बना है, जो कि नीम, कुटकी, त्रिफला, बाबची, कालमेघ, वरुणा, रोहितका एंड भृंगराज. सबसे पहले तो अगर नीम की बात करें तो हम सबको पता है नीम, जिसे सदियों से हमारे इस भारत देश में अलग अलग चीजों के लिए हम यूटिलाइज करते हैं. नीम एक बेहतरीन एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है. यह हमारे इस डिटॉक्स में कालमेघ है, जो हमारे हेल्दी और शरीर के टॉक्सिन्स को एलिमिनेशन के लिए मदद करता है और डाइजेशन को इम्प्रोवाइज करता है. हमारे डिटॉक्स में त्रिफला है. त्रिफला यानी कि तीन फल, यहाँ पे तीन फल यानी कि आमला की, बिबिता की एंड हरिता की नाम के तीन फलों का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ है, ताकि शरीर के हमारे कलोन को क्लिनजिंग इफेक्ट मिले. रोहितका हमने यहाँ पे यूज किया है, जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है एंड डाइजेशन को इम्प्रोवाइज करता है. कुटकी है, जो अगेन शरीर के लिवर को हेल्दी रखता है एंड हेल्दी स्किन को बरकरार रखता है. बाबची, जो सराइसिस एंड विटिलिगो जैसे प्रॉब्लम्स को हेल्दी रखता है, कम करता है. वरुणा, जो शरीर के टॉक्सिन्स शरीर में से रिमूव करने के लिए मदद करता है एंड शरीर को हेल्दी बनाता है. एंड भृंगराज, जो बालों को हेल्दी रखता है. इस तरह से डिटॉक्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के टॉक्सिन्स को तो रिमूव करता ही है, बट ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, लिवर को स्लगिश लिवर को हेल्दी रखने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए, स्किन से ब्लेमिशेस को कम करने के लिए एंड बालों की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से मदद करता है. सो वेल डिटॉक्स को रेगुलरली अपने डाइट में ऐड करें. 1 टैबलेट दिन में 2 बार, यानी कि खाना खाने से आधे घंटे पहले दोपहर और रात के खाना खाने से आधे घंटे पहले रात में रेगुलरली 2 टैबलेट ले, ताकि हम अपने हेल्थ को हेल्दी रख पाए. सो दिस इज व्हाट अबाउट द डिटॉक्स. ये था हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में. अब बात करते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में. इम्यूनिटी यानी क्या? इम्यूनिटी इज नथिंग बट हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता. हमारा शरीर इस जिस तरह से काम करता है, हमारा शरीर जिस तरह से हेल्दी रहता है, और इस हेल्दी रहने का जो रेट है उसे हम कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी से ही नापते हैं. क्योंकि अगर हम हमेशा बीमार रहे, अगर हम हमेशा अलग अलग बीमारियों से हमेशा परेशान रहे, तो ना ही हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और ना ही हम हमारे परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे. लेकिन क्योंकि हम मोदी केयर के अगर इस बिजनेस में है, तो आई एम श्योर इस बिजनेस में हम हेल्दी रहने के लिए आए हैं. हमने लास्ट 2 सालों में काफी अलग अलग बीमारियों को देखा है, और इन 2 लास्ट सालों में हमने कहीं ना कहीं अपनी हेल्दी इम्यूनिटी का जो महत्व है वो भी कहीं ना कहीं जाना है. इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिनकी इंटरनली यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता काफी ज्यादा वीक होती है. आपने देखा होगा काफी लोग हमारे सराउंडिंग में, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि बदलते मौसम के अनुसार इमीडिएटली हमें बुखार आ जाता है, जरा सा मौसम बदलने पर सर्दी हो जाती है, या जरा सा मौसम बदलने पर खांसी हो जाती है. और ऐसे कंडीशन में इसी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए वेल कैटेगरी के मोदी केयर के हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये हमें मदद करते हैं. तो सबसे पहला जो हम आज यहाँ पे प्रोडक्ट देखने वाले हैं वो है हमारा नोनी जूस. नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट एक ओवरऑल वेलबींग के तौर पे हमें मदद करता है. नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है, 1 विच इज कोकम एंड द सेकंड विच इज नोनी फ्रूट. नोनी फ्रूट को अगर हम देखें तो आयुर्वेदा में सदियों से नोनी फ्रूट का बहुत ही बढ़िया महत्व है. नोनी फ्रूट का एक बहुत ही बढ़िया महत्व है क्योंकि नोनी फ्रूट में विटामिन ए, विटामिन बी, सी, मिनरल्स,
जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन एंड फास्फोरस, ऐसे अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें। ये हमारे शरीर में जीरोनाइन लेवल्स को बढ़ाने के लिए मदद करता है और हमारे शरीर के कोशिकाओं को हेल्दी रखने के लिए नोनी जूस बहुत ही अच्छी तरह से मदद करता है। जब हमारे शरीर की कोशिकाएं हेल्दी रहेगी तभी तो हमारे शरीर के टिश्यूज हेल्दी रहेंगे, जब टिश्यूज हेल्दी रहते हैं तभी तो हमारे शरीर की ऑर्गन्स हेल्दी रह सकते हैं, और अगर ऑर्गन्स हेल्दी रहे तभी तो आपका शरीर हेल्दी रह सकता है, राइट? सो इस तरह से नोनी जूस हमें मदद करता है हमारे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए और हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। नाउ नोनी जूस जो है ये हमारे इस हेल्दी शरीर के साथ साथ यहाँ पे हमें सपोर्ट करता है हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए। जैसे हम सबको पता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कोशिकाओं को जब हेल्दी रखना होता है तो इम्यूनिटी तो हेल्दी होनी ही चाहिए, पर इसके साथ साथ हमारा लिवर, हमारे बाल और हमारे स्ट्रेस लेवल भी इसी नोनी जूस के वजह से बहुत अच्छी तरह से हेल्दी रखने के लिए मदद मिलती है। जिन लोगों को डायबिटीज है यानी कि शुगर मैनेजमेंट के लिए हमें नोनी जूस बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। सेल्स को यानी कि कोशिकाओं को रिवाइटलाइज करने के लिए, स्टेमिना को हेल्दी रखने के लिए और अलग अलग इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए नोनी जूस इज वेरी गुड। हमारे हेल्दी हार्ट को सपोर्ट करता है, मेमोरी को इम्प्रोवाइज करता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है एंड एलर्जिक जैसे प्रॉब्लम्स के लिए भी नोनी जूस इज गुड। नोनी जूस ये हमारे यहाँ पे अगर हम नोनी जूस के दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो नोनी जूस में है कोकम। कोकम अगर आप सबको पता हो तो कोकम डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है। प्लस कोकम हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सपोर्ट करता है, बॉबल मूवमेंट्स के लिए अच्छा है एंड वेट मैनेजमेंट के लिए भी सपोर्ट करता है। तो इस तरह से नोनी जूस को आप आपके रेगुलर जर्नी में आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके वेट मैनेजमेंट की जर्नी के लिए एंड आपके एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स के को फाइट करने के लिए डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। नोनी जूस रेगुलरली अपने डाइट में अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो पहले 3 दिन 5 ml हर रोज दिन में 2 बार पानी में ऐड करके पी ले, 4th से 6th दिन तक 10 ml पानी में ऐड करके खाना खाने से पहले आपने 2 बार ले लेना है, और 7th दिन से आगे 30 ml वाटर में ऐड करके आपको खाना खाने से पहले ले लेना है। इस तरह से वी हैव टू टेक द नोनी जूस। हमारा अगला प्रोडक्ट है वेल नोनी टैबलेट। जिस तरह से नोनी जूस है उसी तरह से नोनी टैबलेट के हमें यहाँ पे गुण मिलते हैं। नोनी टैबलेट हम हमारे सेल्स को यानी कि कोशिकाओं को रिवाइटलाइज करने के लिए और जनरल वेलनेस को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नोनी टैबलेट्स और नोनी जूस का यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा हम ऐसे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नोनी टैबलेट्स अगर हम देखें तो 20% ऑफ सैपोनिन से बने हैं। ये हमारे एक ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम के लिए तो मदद करते ही है, बट प्लस नोनी टैबलेट्स हमारे शरीर में इजिली अब्सॉर्ब और न्यूट्रिशन के अब्सॉर्प्शन को इम्प्रोवाइज बनाते हैं और हमारे बालों को, हेल्दी हार्ट को भी सपोर्ट करते हैं। इस तरह से नोनी टैबलेट हमारे सेलुलर डैमेज को रोकने के लिए और शरीर में एनर्जी बरकरार रखने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्टअप रखने के लिए मदद करते हैं। रसायना एंड बाल्या के तौर पे हम नोनी टैबलेट रेगुलरली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो एक टैबलेट दिन में 2 बार अपने खाना खाने के 5 to 10 minutes के बाद में मॉर्निंग एंड इवनिंग दिन में 2 बार लेना शुरू करें, और इस तरह से नोनी टैबलेट आपके इम्यूनिटी का, आप एक सही तरह से इम्यूनिटी इंप्रूव करने का जरिया बना सकते हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट है विच इज तुलसी, वेल तुलसी टैबलेट। आप सबने देखा होगा कि काफी बार हमारे सराउंडिंग में जैसे मौसम बदलता है, मौसम बदलने पर काफी बार इमिडिएटली काफी लोगों को बुखार आ जाता है, काफी लोगों का गला खराब हो जाता है तो खांसी हो जाती है। ऐसे समय पे काफी बार जो हमें हमारे घरों में जो एक कॉमन चीजों को दिया जाता है और वो है तुलसी का काढ़ा। आई एम श्योर तुलसी का जो काढ़ा है तुलसी हमारे वेलबींग के लिए इज वेरी गुड। प्लस हमारे वेल तुलसी टैबलेट में 2% अर्सोलिक एसिड पाया जाता है, यानी कि एक टैबलेट 150 से ज्यादा भी तुलसी के
के एक्सट्रैक्ट से बना है। तो ये हमारे एंटी एलर्जिक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हमें प्रोवाइड करता है, हमारे एंटी बैक्टीरियल सपोर्ट के लिए इट इज वेरी गुड, जनरल इन्फेक्शन के लिए फाइट करता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो जिन लोगों को रेगुलरली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एलर्जिक प्रॉब्लम, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, डेफिनेटली वो सारे लोग तुलसी टैबलेट को ले सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के एडेड कलर या फ्लेवर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, 100% नेचुरल ग्लूटेन फ्री इंग्रेडिएंट से बना है, वेगन है एंड वेजिटेरियन है। तो इस तरह से श्वासा यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कासा यानी कि कफिंग प्रॉब्लम, व्याधि क्षमत्व वर्धका यानी कि इम्यूनिटी एंड अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए तुलसी टैबलेट आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो एक टैबलेट खाना खाने के 5 to 10 मिनट्स के बाद में और एक टैबलेट रात के खाना खाने के 5 to 10 मिनट्स के बाद में आप रेगुलरली एड कर सकते हैं ताकि आपके इम्यूनिटी को आप अच्छी तरह से हेल्दी रख पाए। हमारा अगला प्रोडक्ट है विच इज आंवला जूस। नाउ आंवला जूस जो कि हिमालय में पाए जाने वाले शिवालिक फुटहिल्स के यानी कि शिवालिक के तलहटियों से यहाँ पे ग्रो किया गया है। शिवालिक के तलहटिया यानी कि हिमालय की अतिशुद्ध पानी अतिशुद्ध एनवायरमेंट का बहुत ही अच्छा स्रोत है एंड अतिशुद्ध एनवायरमेंट में यहाँ पे जब आंवला को ग्रो किया जाता है इसकी एक अच्छी क्वालिटी हमें मिलती है। आंवला जूस विटामिन सी और टैनिन्स का बहुत अच्छा स्रोत है। हमारे आंवला जूस में 99% ऑफ आंवला के एक्सट्रैक्ट है, 99% जूस यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है जिसमें हर 1 लीटर के आंवला जूस में 70 आंवला फ्रूट्स या ऐड किए गए हैं। ऑलमोस्ट 3 times मोर आंवला विटामिन सी के स्रोत हमें हमारे आंवला जूस में मिल जाते हैं जिसके वजह से हमें आंवला जूस के एक बेहतरीन गुण भी मिलते हैं। इसमें हमने थर्मली प्रोसेस जूस एक्सट्रैक्शन पद्धति से आंवला को यूटिलाइज किया है जिसके वजह से आंवला के अगेन एक होल जो आंवला के जो गुण है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं और एक प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ आंवला की। किसी भी तरह के एडेड कलर फ्लेवर एंड प्रिजर्वेटिव्स हमने इसमें ऐड नहीं करे है, होल हर्ब थेरेपी कॉन्सेप्ट है। पूरे आंवला के जो हमारा जो फ्रूट है इसको यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है और अगर आंवला की क्वालिटी के बारे में देखें तो USDA ऑर्गेनिक, इंडिया ऑर्गेनिक, एपिडा, ISO 22000 एंड अलग अलग ऐसे तरह के जो सर्टिफिकेशन है इसके द्वारा आंवला जूस को बनाया गया है। आंवला जूस रेगुलरली लेके हमारे डाइजेशन को इम्प्रोवाइज हो जाती है, एजिंग के लिए डिलेज हो जाता है, लिवर स्पॉट्स जो है लिवर के डाइजेशन लिवर के लिए ये हेल्थी है, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे ये मदद करता है एंड ओवरऑल हमारे आयरन डेफिशिएंसी के लिए भी ये अच्छा है। सो इस तरह से आंवला जूस अपने डाइट में रेगुलरली ऐड करें ताकि आप आपकी इम्यूनिटी को और अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे। हमारा अगला प्रोडक्ट जो है गिलोय टैबलेट। नाउ जो गिलोय टैबलेट जो है ये प्रोडक्ट है इसे हम कहते हैं अमृत ऑफ आयुर्वेदा। गिलोय ये हमारे इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है और हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन के तौर पे मदद करता है। कहा जाता है कि गिलोय एक वर्सेटाइल हर्बल मेडिसिन है क्योंकि गिलोय हमें एक मल्टीपल बेनिफिट्स के तौर पे मदद करता है। काढ़ा, गोल्डन मिल्क एंड गिलोय को अगर हम रेगुलरली ले तो आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है ये भी बताती है कि एक बेहतरीन एंटी कोविड प्रोटोकॉल हम अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से गिलोय के फायदे हम रेगुलरली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, हेल्दी स्किन को और हेल्दी जॉइंट्स को रखने के लिए एंड ऑफ कोर्स हमारे जनरल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। आयुर्वेदा के तौर पे गिलोय को रेगुलरली आप आपके इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे वातरका यानी कि गाउटी आर्थराइटिस के लिए, कुष्ठा, कमला, पंडू यानी कि एनीमिया एंड प्रमेहा यानी कि डायबिटीज ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए आप रेगुलरली ले सकते हैं। तो इस तरह से गिलोय टैबलेट को एक टैबलेट दिन में 2 बार आप अपने डाइट में ऐड करें ताकि आप अपनी हेल्थ को इजी हेल्दी रख पाए और ऑफ कोर्स इस तरह से आप आपके जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो भी अच्छी तरह से मेंटेन रख पाए। गिलोय के बाद हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है वेल च्यवनप्राश। हमारे घर पे जब बहुत ही हेल्दी या फिर बच्चे जब हो जाते हैं या बच्चों के साथ जब घर पे जो अडल्ट लोग हैं उनके लिए अगर आपको एक कॉमन प्रोडक्ट, एक हेल्दी वेलनेस या एक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट अगर ऐड करना है तो वेल च्यवनप्राश से बेहतर नुस्खा और कोई हो नहीं सकता। वेल च्यवनप्राश एक इम्यूनिटी और प्रेशियस हमारे लोगों के इम्यूनिटी के लिए बनाया गया है 40 आयुर्वेदिक हर्ब्स के द्वारा।
वेल च्यवनप्राश हमारे तीन तरह के जो हमारे जो दोष है उसे बैलेंस करने के लिए मदद करता है, जैसे कि वाता, कफा एंड पित्ता। वात जो कि स्पेस एंड एयर से बनता है, पित्ता जो कि फायर एंड वाटर से बनता है, एंड कफा जो कि अर्थ एंड वाटर से बनता है। ये सारे तीनों दोष पांच एलिमेंट से बने जाते हैं, यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड इथर। ये सारे एलिमेंट्स को अगर आप हेल्दी और बैलेंस रखना चाहते हैं तो कहा जाता है कि च्यवनप्राश एक एकमात्र ऐसा एक नुस्खा है। ये नुस्खा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में रेकमेंड किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी रेकमेंड करता है, क्योंकि ये नुस्खा एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि 40 आयुर्वेदिक घी, तिल का तेल, आंवला और धनी से बनता है। इसके एक परफेक्ट ब्लेंड से आप आपके एक एंटी एजिंग इफेक्ट पा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट पा सकते हैं, लिवर को हेल्दी रखने के लिए एक सपोर्ट पा सकते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को हेल्दी रख सकते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं, प्लस डाइजेशन के साथ आपकी इम्यूनिटी भी आप अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सो यस, वेल च्यवनप्राश अपनी डाइट में रेगुलरली एड करें। 1 टीस्पून दिन में 2 बार आप अडल्ट के लिए दे सकते हैं, और बच्चों के लिए यानी कि 3 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए आधा चम्मच दिन में 2 बार मॉर्निंग एंड इवनिंग जरूर ऐड करें वेल च्यवनप्राश का, ताकि उनके बच्चों की आपके बच्चों की इम्यूनिटी भी अच्छी रहे। तो 3 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए च्यवनप्राश की आधा चम्मच, और 12 साल से ऊपर आप 1 चम्मच हर रोज अपने बच्चों घर के जो अडल्ट लोग हैं उनकी इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश हर रोज ले सकते हैं। दिस इज हाउ आज का जो सेशन था, ये हमारे इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट के तौर पे था, और आज का डेफिनेटली ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने इम्यूनिटी एंड डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात करी। तो बस इस इम्यूनिटी एंड डिटॉक्सिफिकेशन के साथ अपने आप को हेल्दी बनाए, अपने आप को हेल्दी रखने के साथ साथ अपने इस बिजनेस में इसी तरह से आगे बढ़े और अपने परिवार को भी हेल्दी बनाए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।